जय हिंद दोस्तों, आज हम क्लास 11th का इंग्लिश का मॉडल सेट करेंगे 2019 का। तो यहाँ पे पैसेज है, पहले पैसेज को मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे है, एडिसन वाज बोर्न ऑन 11 फरवरी 1847 इन अमेरिका। तो एडिसन है ना, वो 11 फरवरी 1847 को अमेरिका में जन्म लिया था। ही वाज अ ग्रेट साइंटिस्ट, वह बहुत ही महान वैज्ञानिक था। एट द एज ऑफ 18 ही सेट अप हिज लेबोरेटरी, वो 18 साल की उम्र में अपना एक लेबोरेटरी बना लिया था। फिर ही मेड सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड इन्वेंटेड हाउ टू सेंड मोर देन वन मैसेज अलोंग अ वायर। और उस उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये इन्वेंट किया था कि एक से ज़्यादा मैसेज वायर के थ्रू कैसे भेजा जा सकता है। ही इन्वेंटेड टॉकिंग मशीन, उन्होंने टॉकिंग मशीन को इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब को इन्वेंट किया था। इलेक्ट्रिक फैन को इन्वेंट किया था। इम्प्रूव टेलीग्राफी, टेलीग्राफी को भी इम्प्रूव किया था। टेलीफोन एंड टाइपराइटर, इसका भी उन्होंने इन्वेंशन किया था। ही प्रोड्यूस द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म, इन्होंने फर्स्ट टॉकिंग फिल्म का आविष्कार किया था। पहले मतलब टॉकिंग फिल्म नहीं होता था, इन्होंने टॉकिंग फिल्म का आविष्कार किया था। ही वॉज अ गुड एम्प्लॉयर एंड वॉज सिंपैथी टू हिज एम्प्लॉयज़, ये बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय थे, अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति बहुत ही ईमानदार थे। मतलब जो होते ना है उसको क्या बोलते हैं, ईमानदारी पूर्वक मतलब रहते थे। ही हैड टू लीव मैनी जॉब्स बिकॉज नो वन एक्सेप्ट मिलिकन लाइक्ड हिम। ही हैड टू लीव, उन्होंने बहुत सारा जॉब छोड़ा था बिकॉज नो वन एक्सेप्ट मिलिकन लाइक्ड हिम, उनको कोई लाइक नहीं करता था। विथ द हेल्प ऑफ जनरल लेफर्ट ही एस्टेब्लिश अ फैक्ट्री, मिलिकन विथ हेल्प ऑफ जनरल एफर्ट, उन्होंने जनरल एफर्ट की सहायता से एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था। ही हैड हेल्प हिम 40,000 डॉलर फॉर इट, उन्होंने इसके लिए 40,000 डॉलर हेल्प किया था। देयर इज इन्वेंटेड द डिवाइस दैट टॉक, उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जिससे हम लोग बात कर सकते हैं, यानी टेलीफोन। ही वन मोस्ट फनी, ये बहुत ही मजाकिया था। अगला अब आप लोग क्वेश्चन देखते हैं। एडिसन वाजा, एडिसन क्या था, एडिसन कौन था, साइंटिस्ट था, ऑप्शन नंबर बी। और व्हाट डिड ही इन्वेंटेड, मैंने इलेक्ट्रिक बल्ब इन्वेंट किया था, इलेक्ट्रिक फैन नहीं, माइक्रोस्कोप नहीं किया था, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। टेलीफोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर का आविष्कार नहीं किया था। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फैन, टेलीफोन, टाइपराइटर। हाँ ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोवेवन, यह भी गलत, यह भी गलत, यह भी गलत, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ जनरल लेफर्ट ही, उन्होंने एक फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया था जनरल लेफर्ट की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल, सेवरल मतलब होता है, अगला क्वेश्चन है गिव द मीनिंग ऑफ सेवरल, सेवरल मतलब क्या होता है, फ्यू मतलब होता है कम, वेरियस मतलब होता है ज़्यादा, लेस मतलब भी कम होता है, और स्कार्स मतलब बहुत कम होता है। जैसे स्कार्स मतलब आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट फाउंड स्कार्स ऑफ वाटर इन डेजर्ट, स्कार मतलब भी बहुत कम होता है। फिर अगला क्वेश्चन, जनरल एफर्ट हैड हेल्प एडिसन, उन्होंने 40,000 डॉलर देखो फैक्ट्री को सेटअप किया था। फिर अगला क्वेश्चन, इन नोट मेकिंग, नोट्स आर रिटेन इन, यहाँ पे अथी था कि सभी चीज़ होते हैं ना वो क्लाउज में यूज करते हैं, लेकिन सिर्फ फ्रेज है ना नोट मेकिंग में यूज होता है, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नोट शुड बी इन शॉर्ट फॉर्म, नोट क्या में होता, शॉर्ट फॉर्म में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है, अब फॉर्मल लेटर्स स्टार्ट विथ, जो फॉर्मल लेटर होता है ना है वो सेंडर के एड्रेस से स्टार्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेटर टू द एडिटर आर रिटेन टू, तो लेटर टू एडिटर किसके लिए लिखा जाता है, न्यूज़पेपर के लिए, हाँ बिल्कुल सही, स्कूल के लिए नहीं, कॉलेज के लिए नहीं, क्लब के लिए नहीं, तो बिल्कुल नहीं। फिर ऑप्शन नंबर मेरा कौन करेक्ट हो गया, ए। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, जो रिपोर्ट किया ना उसको
आदमी जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए चाहता है, तो ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू, ये 2023 के मतलब सिलेबस से हटा दिया गया तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका कौन आंसर हो जाएगा, इनवाइट। व्हाइल राइटिंग आर्टिकल्स वेयर शुड द राइटर मेंशन हीज और हर नेम एट द एंड, एंड में राइट आर्टिकल के एंड में नाम लिखा हुआ होता है। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल एक्सरसाइज फॉर इसेंशियल इज हेल्थ गुड, तो इसको असेंबल करना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन लग रहा है सही, फिजिकल एक्सरसाइज इज इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, पोरिटोस इज एन ऑनेबल, यहाँ से इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे आता है, वोवेल्स यानी एन हो जाएगा। आई अ लेटर व्हेन द बेल इज रैंग, अगर दो काम साइमल्टेनियसली हो रहा है ना, तो एक पास्ट में होगा एक कंटिन्यू होगा, यानी कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, तो ऑप्शन नंबर मेरा कौन करेक्ट होगा, वाज राइटिंग अ लेटर, वे राइटिंग लेटर व्हेन द बेल रैंग। फिर अगला क्वेश्चन है, डैश यू प्लीज स्टॉप टॉकिंग, तो यू के साथ क्या लगता है, सेल नहीं विल लगता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी ए यहाँ पे दिया हुआ टाइपिंग मिस्टेक है, ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आई एम नोइंग यू, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, ये स्टेट ऑफ माइंड को शो करता है ना, तो उसमें नो में आई एन जी नहीं लगता, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन करेक्ट हो जाएगा, आई नो यू, ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये दिया हुआ एक पोएम से लिया गया है, द स्वीट फेस द फोटोग्राफर सोन वाज, द स्वीट फेस द फोटोग्राफर सोन है, यहाँ पे हो जाएगा नरेटर मदर, ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो गया। फिर अगला क्वेश्चन, द फोटोग्राफ वाज टेकन व्हेन द नरेटर वाज नॉट बोर्न, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दे वी आर स्टैंडिंग एट द बीच, यानी ऑप्शन नंबर मेरा कौन हो गया करेक्ट, ए। अगला क्वेश्चन है, द वर्ड ट्रांसियंट शो द मोमेंट्री और इफॉर्मल लाइफ, यानी सी करेक्ट हो जाएगा। विच मंथ ऑफ द ईयर हैज़ बीन मेंशन इन द पोएम द लेबनम टॉप, यह सितंबर का मंथ है, यानी ऑटोमन सीजन था, मैंने क्वेश्चन पहले भी करवा चुका है। अगला क्वेश्चन है, द पोएट वाल्ट विटमैन आस्क अ क्वेश्चन एंड हु आर द हु वाज THOU रेफर टू, तो ये रेफर करता है सोअर को, SHOWER ED, ऑप्शन नंबर मेरा कौन करेक्ट हो जाएगा, डी। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम चाइल्डहुड, यानी ये चाइल्डहुड कौन लिखे थे, मार्कस नट्टेन, ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देयर वॉज नो साइन ऑफ डैश बिटवीन द फादर एंड सन, यहाँ पे हो जाएगा नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर टू, ये बर्ड्स मूवमेंट किस किस कंपेयर किया गया था, तो ये लिजार्ड से कंपेयर किया गया था। अगला क्वेश्चन है, आई गेव बैक लाइफ टू माई ओरिजिन हु इज द स्पीकर, इसमें स्पीकर कौन है, यहाँ पे इसका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड द ग्रैंड मदर नॉट एकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल इन द सिटी, तो ऑथर थे ना वो बस से मोटर बस से स्कूल जाने लगे थे, इसलिए उनके मदर उनके साथ नहीं जा पाते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द स्पैरो डू व्हेन द डेड बॉडी ऑफ द ग्रैंड मदर वाज कैरिड ऑफ, जब ग्रैंड मदर का मतलब लास्ट हम लोग बोलते हैं आते बता में जब उठ गया था, तो उन लोग स्पैरो क्या किए थे, वो फ्लीव अवे क्वाइटली, मतलब वो चुपचाप उड़ गए थे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट विच द ऑथर हैड ब्यूल्ड फॉर हिज वॉयज, तो उसका अथी था नाम था वेव वाल्कर, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, हु एकम्पेनीड द राइटर इन हिज राउंड द वर्ल्ड वॉयज। यहाँ पे इनके वाइफ मैरी विथ हिम, हिज डॉटर सुजैन एंड हिज सन जॉन। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ थ्री। अगला क्वेश्चन है, द प्लेस वेयर इजिप्टियन किंग वेयर बरिड इज एज नोन एज। तो जहाँ किंग को मतलब दफनाया जाता था ना, उसको हम लोग क्या बोलते थे, वैली ऑफ किंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। हु क्रिएटेड द रॉक गार्डन ऑफ द चंडीगढ़, इसको बोलते थे नेक चंद। अगला क्वेश्चन है, मिली सेंस टैपलो टू, मिली है ना उस टैपलो को कहाँ भेजे थे, यहाँ पे ये केमिस्ट यानी दवा दुकान। ऑप्शन नंबर मेरा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रैंड गंगाधर पंत ज्वाइंटेड अ प्रोफेसर ऑफ। गंगाधर पंत थे ना वो किसके प्रोफेसर थे, तो वो हिस्ट्री के प्रोफेसर थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेम द ऑथर ऑफ द लेसन सिल्क रोड, तो इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है निक मिडलटन। नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल वाइट ग्रीन पार्टी वॉज फाउंडेड इन, तो यहाँ ये साउथ अफ्रीका में फाउंड हुआ था। ऑप्शन नंबर मेरा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड आराम एंड मोराद हाइड द स्टोलन वाइट हॉर्स इन डेजर्ट विनियर्ड। ऑप्शन नंबर मेरा कौन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी एक सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु रोड द स्टोरी द एड्रेस, तो एड्रेस का हम लोग ट्रिक पढ़े थे कि वो मार्ग का पता मिंटो में लगाते थे यानी मार्गो मिनको। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगा साव रंगा रत्ना फॉर द फर्स्ट टाइम एट नरेटर हाउस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइम वो कहाँ मिले थे रंगा और रत्ना, रंगा और रत्ना एक दूसरे को कहाँ देखे थे एक फर्स्ट टाइम, तो नरेटर के हाउस पर। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन व्हाट वाज मोर इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन, एजुकेशन में मोर इम्पोर्टेंट क्या है अल्बर्ट आइंस्टीन के का नाम। क्वेश्चन नंबर 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उसमें मदर हमेशा नेगलेक्टेड रहती है। साहित्य क्या था, मतलब पोएट था। हु डिड द डॉक्टर डिसाइडेड टू सेव इन द बर्थ, इसमें मदर को बचाने का सबसे बड़ा प्रयास किया था। हु आज हैंग फाइनली इन द टेल ऑफ मेलन सिटी, तो द किंग वाज हैंग, मतलब वो किंग है ना हैंग हो गया था अंतिम में। थैंक यू, ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।